हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों आप देख करके समझ गए होंगे ये सब क्या चीजें हैं मसाले बिरयानी में खूब यूज करते हैं अगर आप बिरयानी लवर हैं या फिर हमारी कोई भी ज्यादातर जो इंडियन डिशेस होती हैं ये किचन के जो मसाले होते हैं ना खड़े मसाले जिन्हें हम बोलते हैं इनका यूज़ भर भर के होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इन खड़े मसालों को सही तरीके से इस्तेमाल में लाया जाए तो ये आपका बहुत ही तेज़ी से वज़न घटा सकते हैं और वज़न घटाने के साथ साथ आपको और भी ढेरों फ़ायदे दे सकते हैं वैसे तो बहुत सारे मसालों की लिस्ट लंबी है जो वेट लॉस में हेल्प करते हैं मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी बहुत सारी वेट लॉस की वीडियोस जिनको मैंने मसालों से तैयार किया है आज ऐसी ही एक वीडियो है जो कि पर्सनल अपनाया हुआ नुस्खा है सो आपको मैं यहाँ आप पे अभी दिखाऊंगी भी ये है दालचीनी सिनेमन जिसे हम बोलते हैं तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है मीठा मीठा सा टेस्ट होता है शायद इसी वजह से इसे दालचीनी बोला जाता है वेट लॉस की दुनिया में इसका बहुत ऊंचा नाम है अगर आप जानते हैं तो जो भी इंग्रेडिएंट uh, है ना अगर आप कह लीजिए कि टॉप टेन जो इंग्रेडिएंट है टॉप फाइव इंग्रेडिएंट है वेट लॉस के मामले में उसमें ये दाल चीनी का नाम ज़रूर से ज़रूर आता है बड़ा ही कमाल का इंग्रेडिएंट है चलिए आपको बताती हूँ कि ये कैसे इसको लेना होता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको बिल्कुल मैं तरीका वो बताऊंगी जिससे आपको परेशानी ना हो तो बस आप देखिए दालचीनी आपने ले लेनी है दालचीनी अभी तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ी है मेरे यहाँ ख़त्म हो गई है ज़्यादा नहीं है आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए लगभग 100 ग्राम के आसपास डेढ़ सौ ग्राम के आसपास आप मार्केट से ला सकते हैं उसके बाद में करना क्या है कि आपको इस दालचीनी को धूप में खूब अच्छे से सुखा लेना है और जैसे यहाँ छोटे छोटे टुकड़े देख पा रहे हैं ना इससे भी छोटे टुकड़े आपको कर लेने हैं खूब छोटे छोटे टुकड़े किसी चीज़ से कूट के बेलन वगैरह से आप कर सकते हैं फिर हमें उसका पाउडर बना लेना है तो पाउडर कैसे बनाना है मिक्सी में पीस देना है अब मिक्सी में पीसने के लिए इसका सूखा होना जरूरी है धूप नहीं निकल रही है तो गरम पैन में कढ़ाई में हल्के गरम में दो मिनट के लिए इसे धीमी आंच में आप कर लीजिए तो इसके अंदर की सारी नमी निकल जाएगी और इसका पाउडर बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब आप यहाँ पर एक नज़र डालिए ये है दालचीनी का पाउडर ये है मेरे लिए ये मैंने अपने लिए बनाया है क्योंकि जब मेरा वेट बढ़ जाता है तो मैं भी ये सब ड्रिंक इसी तरीके से लेकर के अपना वेट जो है कंट्रोल कर लेती हूँ तो ये दालचीनी का पाउडर है इसे मिक्सी से ही पीसा था और ज़्यादा लगे तो छन्नी से छान लीजिए आटा छानने वाली छन्नी से सो तो ये दालचीनी का पाउडर आपको रेडी करके रख लेना इसी तरीके से मैंने एक टिफिन में एयरटाइट बॉक्स में आपको रखना है जब जरूरत होगी डेली यानी हमको जैसे ये रेमेडी चाहिए तो हम बस तुरंत उठेंगे और बना लेंगे दो मिनट में चलिए बनाते हैं तो चलिए रेमेडी कैसे बनेगी हमारी हमें चाहिए एक ग्लास एक छोटा सा चम्मच चाहिए एक छोटी चम्मच आपको दालचीनी डाल देनी है इसमें दालचीनी का पाउडर और ये रहा हमारा जो मैंने देखिए ये पानी गर्म किया है भगवाने में बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए उबलता हुआ बहुत हल्का गुनगुना भी नहीं होना चाहिए बीज का होना चाहिए अब देखिए दालचीनी की एक खासियत होती है दोस्तों अगर आपने पानी हल्का गर्म ले लिया ना यानी कि जितनी ज़रूरत है अगर उतना नहीं गर्म हुआ तो ये दाल चीनी इसमें घुलेगी नहीं ये ऊपर तैरती रहेगी ये पूरी तरीके से ऊपर तैरती रहेगी क्योंकि यहाँ पानी थोड़ा सा अच्छे से गर्म है तो बस हम क्या करेंगे इसे जो है इस तरीके से मिला देंगे और कुछ देर बाद ये एक दो मिनट के लिए आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए तो उससे होगा ये ये जो ड्रिंक है आपकी ये जो है अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी अब देखिए क्योंकि जो मैंने पाउडर बनाया था ना वो थोड़ा सा मोटा था तो ये देखिए तो जो मोटा वाला पाउडर है ना वो ही ऊपर में आ गया है जो फाइन पिसा हुआ है वो देखिए नीचे चला गया है कलर भी चेंज हो गया है इसका तो आप छान जरूर लीजिएगा क्योंकि मुझे जब पीना होता है तो मैं तो ऐसे ही पी जाती हूँ तो आपको अगर पीने में दिक्कत ना हो आपकी ये मुंह में लिपट ना जाए इसलिए आप छान लीजिएगा इस इस ड्रिंक को अभी इसको छान लेंगे दो मिनट के रखने के बाद तो आपको जो है एक अच्छी ड्रिंक मिल जाएगी बस आपको ये ड्रिंक पी लेनी है सुबह खाली पेट आप चाहे तो इसमें नींबू वगैरह भी डाल सकते हैं आधा नींबू डाल लेंगे तो और भी ये बहुत ही आपकी ये ड्रिंक कमाल की बन जाएगी और इसे आप ले सकते हैं अच्छा इसे डायबिटीज़ वाले लोग भी ले सकते हैं जो हमारी जो फीमेल्स पीसीओडी से जूझ रही हैं वो इसे ले सकती हैं उनका जो पीसीओडी का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक क्योर हो जाएगा हालांकि पीसीओडी तो एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है मैं किसी दिन उस पर भी वीडियो बनाऊंगी हमारी पीसीओडी से जो प्रॉब्लम है जिन फीमेल्स को उनके लिए बहुत ही अच्छे टिप्स दूँगी जिनको जो भी परेशानी हो रही है पी से जिनको पीरियड्स टाइम पर नहीं आ रहे हैं उनका वेट बढ़ रहा है हॉर्मोनल इम्बेलेंस हुआ है और साथ ही साथ में अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगी और हंड्रेड परसेंट वो वर्क करेंगी ही करेंगी सो so, यहाँ पर इस ड्रिंक को आपने लेना है वेट लॉस के लिए सुबह खाली पेट लेना है और इसके 20 से 25 मिनट बाद आप कोई भी हेल्दी सा ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और साथ ही में जब वेट लॉस की बात करते हैं तो बार बार मेंशन करने में वीडियो बड़ी हो जाती है आप मेरी वीडियोस को ज़रूर देख लें उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि आपको किस तरीके का खाना खाना चाहिए अगर आप पंद्रह से बीस दिन के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं और साथ ही साथ में ढेर सारा आप पानी भी पिए और एक नींबू का ज़रूर सेवन करें चाहे तो आप इसी में डाल के लें आपको बहुत ही ज़्यादा फायदे मिलेंगे उससे और इससे आपको और भी ढेरों फ़ायदे मिलने वाले हैं जैसे कि मैंने बताया अगर हार्मोनल इम्बेलेंस हुआ हो तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा सो तो ये ड्रिंक है दोस्तों और रात का खाना आप तो इसके भी कर दें साथ ही साथ में कुछ टाइम के लिए आप पूरी पराठे ये सारी चीज़ें भूल जाएँ अगर कोई योगासन वगैरह कर सकते हैं आप तो वो योगासन आप ज़रूर करें उससे भी आपकी जो एक्स्ट्रा फैट है वो आपका जो है जल्दी से लूज़ हो जाएगा आपकी जो चर्बी है जो फैट है वो बर्न हो जाएगा सो दोस्तों ये थी हमारी सिनेमन ड्रिंक और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और भी बहुत सारी वीडियोस हैं दोस्तों जो आपको अच्छी लगे सभी हेल्पफुल हैं आपको जो ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा अगर हेल्पफुल लगा हो तो भी बताइएगा वीडियो को लाइक कर सकते हैं पसंद आया हो तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं हमेंट करेंगे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद